प्रदेश के बहराइच में सोमवार को समाजवादी पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सपा बसपा के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जहां पूर्व मंत्री यासर शाह सहित और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनी तो शिक्षा मंत्री को न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। शब्बीर भाई को प्रत्याशी बनाया हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय बहन मायावती जी ने, जो कार्यकर्ता आज तक उनके शब्दों पे, उनके आदेश पे अपनी जान को तैयार थे, उनके आदेश पे आज भी जान देने को तैयार है कि हम लोग मिल करके शब्बीर भाई को चुनाव करके भेजे हैं। और जहाँ तक साथ का सवाल है, कई सालों बाद ये साथ हुआ है और इस नौजवान टीम का, इस टीम का ये इरादा है कि ये साथ पूरी जिंदगी है। शुरुआत में दोबारा ना हो, आपके साथ छूटे ना, और आपके साथ छूटेगा तो हम लोग दावन पूरे लड़ने जाएंगे उसे का, और जिद भी कर सकते हैं, हम लोग छोटे हैं उनसे और वो लोग साथ के थे, बराबर के थे, जिद नहीं कर पाए, लेकिन आपकी अगर कोई ऐसी बात है हम लोग जिद करके पकड़ेंगे, लेकिन आपकी हम इन भाइयों को छोड़ेंगे नहीं। सर, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हम चाहते हैं जब तक बहराइच की गंगा गंभीर तहसील है, हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने जो नफरत का माहौल पैदा किया है ये खत्म हो, इसलिए गाजियों को हम लोग चाहते हैं गाजी को तो ज़्यादा बात हो, देश की अखंडता की बात हो और जनपद बहराइच जो देश की विकास की बात हो, हम ऐसा जनपद बहराइच चाहते हैं जहां सब परस्पर एक दूसरे के गले मिलते रहें। यही हम संदेश देना चाहते हैं, तब स्वास्थ्य सेवाएँ बाहर होंगी, तब आज जो हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज होंगे, डिग्री कॉलेज होंगे, हमारे किसानों को सुविधाएँ मिलेंगी, किसानों समाधान होगा। हम यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता ठीक रहे और कोई भी जात बिरादरी धर्म के नाम के ऊपर लोगों पर बोलने पाए न बोलने पाए। ये जनता के गठबंधन है और निश्चित रूप से जनता सिखाएगी, क्योंकि लैंड ऑर्डर को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेल है और हमारी बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी की पार्टी सभी सरकार रही है। लैंड ऑर्डर बड़ा मजबूत रहा है, गरीब आम इंसान सेफ रहा है, आज कोई भी आदमी किसी को सुनने वाला नहीं है, सिर्फ जो भी धोखेबाज है, जो पत्रकार है, जो पूंजीपति है, उन्हीं की छुट्टी आ रही है। ऐसे में जनता त्रस्त है और बहुत जल्दी 23 रैंक उद्यान आएगा, गठबंधन मिलाकर भी केंद्र की सरकार मिलेगी, इसलिए बहन जी प्रधानमंत्री।